पत्रकारिता का कहाँ हनन हो रहा है बताइए। पत्रकार जो देश के लोकतंत्र का हनन कर रहे हैं वो सही है। जो रिपब्लिक भारत जो चैनल है, जो अर्णव गोस्वामी जी हैं, वो सबसे पहली बात तो ये है कि इससे अब देखिए कि इससे पहले क्या थे। आज ने चैनल बनाया, चैनल बनाने से पहले क्या थे? चैनल बनाने में जितना रुपया की जरूरत पड़ता है वो रुपया कहाँ से आया? मान लीजिए कहीं से चले पैसा आ भी गया तो ये जो अर्णव गोस्वामी जी का चैनल है वो आप देखिए कि किस खबर को दिखाने का काम करता है। पूरे लॉकडाउन में वो सुशांत और रिया चिल्लाते रहे लेकिन प्रवासी मजदूर का एक भी नहीं दिखाया। सरकार की जो विफलताएं थी इसे इन्होंने नहीं दिखाया। आखिर क्यों? आज अगर अर्णव गोस्वामी पे कार्रवाई हुई है, चलिए मैं मानता हूँ क्या कार्रवाई है, वो जो जिस आदमी ने आत्महत्या कर ली उसकी 2 साल बाद आज उसकी मतलब जांच हो रही है, जो भी है उसके खिलाफ इन पे कार्रवाई हुई है वो सही है, और इसमें भी मतलब ये कहीं ना कहीं गलत है कि उससे पहले ही कार्रवाई होनी चाहिए। आज इस समय इसमें 2 साल क्यों लग गए? 2 साल पहले अगर कार्रवाई होती तो ना जाने इन्होंने अभी तक ऐसे लोगों ने अगर इन्होंने किया होगा या ऐसे लोगों ने कितने लोगों का हनन करने का काम किया होगा, उसके जीवन से खेलने का काम किया होगा। सुशांत हीरो था, उसकी आत्महत्या पे आपने इतना आक्रोश किया लेकिन आपके द्वारा ही किसी का परिवार उजड़ गया, उसके लिए आप क्यों नहीं बोलने का काम कर रहे हैं? आज अर्णव गोस्वामी के खिलाफ कार्रवाई हो गई तो केंद्रीय मंत्री जितने भी हैं, चाहे मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनके पेट में दर्द हो रहा है। सिर्फ अर्णव गोस्वामी पत्रकार हैं? NDTV का 24 घंटे के लिए जब चैनल बंद हुआ वो काला दिवस देश के लिए नहीं था। योगी जी जो आज कह रहे हैं कि आज देश में काला दिवस है, कोई कह रहा है लोकतंत्र के लिए खतरा है, राजनाथ जी ट्वीट कर रहे हैं और ये और भी जन के नेता हैं ट्वीट कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में देखिए अभी हाल ही में जो हाथरस कांड हुआ था उसमें एक पत्रकार के ऊपर राजद्रोह का मुकदमा लगा दिया गया है, वो सही है। पालघर में एक ने सच्चाई दिखाई उसके खिलाफ केस दर्ज हो गया, वो जेल में बंद हो गया। इसके साथ ही जो हमारे यूपी में जो मिड डे मील, जो रोटी और नमक खिलाने का काम कर रहे हैं बच्चों को, जो सरकारी पैसा, जो सरकार जिस तरीके से बच्चों के साथ भेदभाव कर रही है, पैसा खाने का काम करिए, बच्चों का हक खाने का काम करिए, वो एक पत्रकार ने दिखाया तो उसके ऊपर मुकदमा लग गया, वो आज जेल में बंद है। वो क्या ये सब ठीक है? जब आपकी लोकतंत्र नहीं थी, आज भाजपा वाले जितने भी लोग हैं सब अच्छा, उनकी लड़ाई कौन लड़ रहा है? रिपब्लिक भारत भाजपा की लड़ाई लड़ता है और भाजपा वाले रिपब्लिक भारत की लड़ाई लड़ रहे हैं। और भी पार्टियां हैं, उन्होंने रिपब्लिक भारत के लिए क्यों नहीं सवाल उठाया? उन्होंने अर्णव गोस्वामी के लिए क्यों नहीं सवाल उठाया? मैं ये नहीं जानता कि अर्णव गोस्वामी गलत है या सही है। अगर गलत है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, अगर सही है तो उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन कहने का मतलब है कि पत्रकारिता का एक स्तर होता है। आज देश में इतना घटनाएं हुआ, अर्णव गोस्वामी ने नरेंद्र मोदी के कैबिनेट से क्यों नहीं सवाल पूछने की हिम्मत रखी? उत्तर प्रदेश में इतनी हिंसाएं हो रही हैं लगातार, कभी 6 साल की बच्ची का बलात्कार हो रहा है, कभी 4 साल की बच्ची का बलात्कार हो रहा है, कभी 2.5 साल की बच्ची का बलात्कार हो रहा है, क्यों नहीं इन्होंने अपने चैनल के माध्यम से इन पर सवाल खड़ा करने का काम किया? जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ वहाँ अर्णव गोस्वामी रिपोर्टिंग क्यों नहीं करते? क्यों नहीं सत्ता से सवाल पूछने का काम करते? आज मतलब सिर्फ वो विपक्ष पे ही क्यों हावी होते हैं? आज इनका स्तर देखिए, पत्रकार हैं वो मुख्यमंत्री को उद्धव इधर आ, मुझे ड्रग्स दो छाती पीटने का काम करते हैं, ऐसा पत्रकारिता होती है। कंगना रनौत भी मतलब अर्णव गोस्वामी के साथ में समर्थक में आई हुई, ये कह रही हैं कि उद्धव ठाकरे को मतलब टारगेट करते हुए बोल रही हैं कि कितनों को आप गला दबा लेंगे, कितना सच्चाई को आप छुपा लेंगे, ये छुपाने से नहीं होगा, हम जैसे लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, एक कद आवाज़ बंद करोगे सैकड़ों आवाज़ें सामने आ जाएंगी, तो गलत है। और वो लगातार सोनिया गांधी सेना को देखते हुए मतलब टारगेट कर रही हैं, सोनिया सेना को टारगेट कर रही हैं, उसके बाद पप्पू सेना को टारगेट कर रही हैं, इस तरीके से कह रही हैं, तो मतलब कैसे देखते हैं? देखिए वो तो इनकी लड़ाई लड़ेंगे क्योंकि कंगना रनौत की भी लड़ाई उन्होंने लड़ने का काम किया। आप ये बताइए कि इसमें सोनिया सेना और पप्पू सेना का क्या रोल है? सरकार है, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं, उद्धव ठाकरे के लिए उन्होंने अपशब्द कहे। अच्छा आप ये कंगना रनौत की ही मतलब लैंग्वेज सुनिए, किस तरह वो बात करी है। अरे आप एक मतलब आर्टिस्ट हैं, आप एक कलाकार हैं, आप कलाकार की तरह बात करिए, आपका राजनीति से क्या मतलब है? आप एक पार्टी को आके सपोर्ट करिए, आप किसी को सोनिया सेना कह रही हैं, किसी को पप्पू सेना कह रही हैं, ये कंगना का अंगना, ये जो कंगना का अंगना ही हमेशा चिल्लाते रहे ये जितने पत्रकार हैं। और मैं सिर्फ संतुष्ट नहीं हूँ सिर्फ अर्णव गोस्वामी पर कार्रवाई है, हर पत्रकार पर कार्रवाई होनी चाहिए जो भी देश के खिलाफ हो, जो देश में दंगा करवाने का काम करे, जो देश की लोकतंत्र को खत्म करवाने का काम करे। पत्रकार के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, पत्रकार का मतलब चौथा स्तंभ जो लोकतंत्र को चलाने का काम करता है। ये क्या पत्रकार है? आपको सबसे पहली बात तो इनके खिलाफ आरटीआई लगनी चाहिए। कितना पैसा कहाँ से आया इनके खिलाफ जो इन्होंने चैनल बनाने का काम किया? आज इनका चैनल चल रहा है और बताइए किस तरीके से पुलिस वालों से बात करते हैं, मतलब तमीज है नहीं इनके अंदर। पर्सनल लाइफ इन्होंने लोगों की खत्म करने का काम किया। देश जब विकट हमारी परिस्थितियों में, आज देश में 23 GDP जा गई है, ये GDP की बात क्यों नहीं करते ऐसे पत्रकार? अर्णव गोस्वामी ने कभी GDP का मुद्दा क्यों नहीं उठाया? कभी प्रवासी मजदूर का मुद्दा क्यों नहीं उठाया? कभी बलात्कार का मुद्दा क्यों नहीं उठाया? क्यों ये हमेशा कंगना सुशांत और रिया चिल्लाने का काम करते हैं? जी आखिर BJP के जो नेता हैं वो अर्णव गोस्वामी के साथ लगातार देश के मुख्यमंत्री लेवल, गुजरात के मुख्यमंत्री भी उनके समर्थक में आए हुए हैं, राजनाथ सिंह की देखा जा रहा है ट्वीट किया गया है, उसके बाद योगी आदित्यनाथ जी मतलब उतरे हुए हैं, तो लगातार ऐसे तमाम बड़े जो दिग्गज नेता हैं वो अर्णव गोस्वामी के समर्थक में उतरे हुए हैं। लेकिन जब अन्य और किसी पत्रकारों की जब बात आती है सामने तब कोई समर्थक नहीं उतरता, ऐसा क्यों? उनकी नज़र में वो पत्रकार नहीं। जी आप अगर सत्ता के साथ हैं,
आप सत्ता के पक्ष में रिपोर्टिंग कर रहे हैं लाइक अर्णब गोस्वामी, तो आप पत्रकार हैं। अगर आप सत्ता के विरोध में, मतलब सत्ता से विरोध में नहीं, अगर सत्ता से सवाल पूछने का काम कर रहे हैं तो आप पत्रकार नहीं, आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और उस कार्रवाई में चाहे भाजपा का केंद्रीय हो या भाजपा का राज्य सरकार का, कोई आदमी बोलने का काम नहीं करेगा, क्योंकि ये लोग हमेशा पत्रकारों का गला दबाने का काम कर रहे हैं। किस हक से इन्होंने मुकदमा दिखाने का काम किया? उत्तर प्रदेश में अभी पिछले महीने कोविड में एक बच्ची अपनी माँ के साथ इलाज कराने गई, उससे हॉस्पिटल के प्रशासन ने झाड़ू पोछा लगवाने का काम किया। उस आदमी ने जब वीडियो बनाई तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने का काम किया बाबा की सरकार में। तो कौन हक देता है, कौन सा संविधान हक देता है, कौन से लोकतंत्र वाले देश में ऐसी घटनाएं होती हैं कि आप पत्रकारों के खिलाफ, आप CNRC देखिए, वहां पत्रकारों का कैसे गला दबाया गया। आप अभी मीना कोतवाल, बिहार में मोदी जी की सभा चल रही थी दो दिन पहले, दासूद्र करके एक चैनल है उसका पत्रकारिता कर रही थी, भाजपा के लोग उसकी गर्दन दबाने, उसको गंदी गंदी गालियां दी गई। जब मोदी जी ने क्यों नहीं ट्वीट किया, राजनाथ सिंह ने क्यों नहीं ट्वीट किया, अभी तो मोदी जी सभा में थे, बिहार में थे, मोदी जी ने क्यों नहीं ट्वीट किया, या कोई अर्णब गोस्वामी के चैनल नहीं क्यों नहीं उठाया? योगी जी ने अभी बिहार में जाके पत्रकार करने काम करें तो मीना कोतवाल की लड़ाई लड़ने के लिए, वो बिचारी गरीब पत्रकार, आप मध्यम वर्ग की है, उसके पास आईपॉड खरीदने के लिए पैसा नहीं है, कहीं से व्यवस्था करके अगर कोई मोबाइल और मीडिया चला के अगर सच्चाई दिखाने का काम करता है तो उसे लोग मारने का काम करते हैं, पुलिस मारने का काम करते हैं। मीना कोतवाल के लिए क्यों नहीं इन्होंने आवाज उठाई? परसों की मीना कोतवाल की घटना है, आज और कल की अर्णब गोस्वामी की घटना है, तो अर्णब गोस्वामी पर सरकार छाती पीट रहे हैं और सरकार के लोग छाती पीटने का काम कर रहे हैं, लेकिन औरों की लड़ाई क्यों नहीं लड़ने का काम कर रही है? जो सरकार के खिलाफ या सच्चाई दिखा के जो सरकार से सवाल पूछने का काम कर रहा है उसके साथ आप क्यों नहीं है?